दोस्तों स्वागत है हमारा और एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों अगर आपके पास एक BSNL का सिम है और आपका BSNL का इंटरनेट स्पीड को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हो, आपका BSNL का इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है जिसके वजह से दोस्तों आप कोई भी चीज को ठीक ठाक से डाउनलोड कर नहीं पा रहे हो, जब ब्राउजिंग करते हो तब लोडिंग होना लगता है और कोई भी चीज को अगर ऑनलाइन से डाउनलोड करते हो तो आपका जो डाउनलोडिंग स्पीड है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा स्लो देखने को मिलता है, और दोस्तों ऑनलाइन पे गेम्स वगैरह खेलने के टाइम पे आपका जो पिंग है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ BSNL सिम का एक लेटेस्ट APN सेटिंग, जिसको सेट करते ही दोस्तों आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा, साथ में आपका जो डाउनलोडिंग स्पीड है दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कृपया करके आप इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा एंड तक वॉच कीजिए, और इसी तरह का और भी हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवा के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो BSNL का APN सेटिंग को सेट करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल का मेन सेटिंग में आपको चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दो सिम शो हो जाएगा, तो इनमें से आपका जो BSNL का सिम है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका सामने आपका फोन का जो पुराना APN सेटिंग है BSNL का वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो उसको आपको यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रिसेट कर लेना है, और न्यू APN सेट करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इस न्यू APN का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपका सामने एक एम्प्टी फॉर्म दे देगा, तो मेरा वीडियो को देख के आपका फोन में भी इस फॉर्म को सेम टू सेम आपको फिलअप कर लेना है, उसके बाद ही आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट चलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पर नेम का ऑप्शन दिख रहा है, इस नेम का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है BSNL। BSNL दोस्तों यहाँ पर पूरा कैपिटल लेटर पे होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है 4G। जी यहाँ पर दोस्तों कैपिटल लेटर पे होगा। 4G लिखने के बाद फिर से और एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है PLUS, यानी कि प्लस टाइप करना है। प्लस का भी P कैपिटल लेटर पे होगा। तो इस तरीके से आपको BSNL 4G प्लस लिख के यहाँ पर ओके कर देना है। देने के बाद उसके नीचे है APN का ऑप्शन, तो आपको इस APN का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर पे टाइप करना है BSNL NET। तो दोस्तों BSNL नेट आपको इस तरीके से स्मॉल लेटर पे एक साथ लिख के यहाँ पर भी ओके कर देना है। देने के बाद उसके नीचे है प्रॉक्सी ए नॉट सेट रहेगा, उसके नीचे है पोर्ट AB नॉट सेट रहेगा, उसके नीचे है यूजर नेम का ऑप्शन, तो आपको इस यूजर नेम का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है BSNL। BSNL का B सिर्फ यहाँ पर कैपिटल लेटर पे होगा। उसके बाद एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पर 4G टाइप कर देना है। 4G का G यहाँ पर कैपिटल लेटर पे होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख के यहाँ पर भी ओके कर देना है। देने के बाद दोस्तों उसके नीचे है पासवर्ड ए नॉट सेट रहेगा, उसके नीचे है सर्वर, तो आपको इस सर्वर का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर पे टाइप करना है www.google.com। आपको यहाँ पर इस तरीके से सारा लेटर लिख के यहाँ पर भी ओके कर देना है। देने के बाद दोस्तों नीचे कुछ ऑप्शन है जैसे कि MMSC, MMS Proxy, MMS Port, MCC एंड MNC, इनमें से कोई भी ऑप्शन को आपको चेंज नहीं करना है, और नीचे जो दो ऑप्शन है MCC एंड MNC ये आपका एरिया का हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो इस ऑप्शन को भी आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे आपको ऑथेंटिकेशन टाइप करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर PAP ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद उसके नीचे है APN टाइप का ऑप्शन, आपको इस APN टाइप का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर पे टाइप करना है DEFULT, यानी कि आपको यहाँ पर डिफॉल्ट टाइप कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। देने के बाद दोस्तों उसके नीचे है APN प्रोटोकॉल का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर IPv4/IPv6 का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद उसके नीचे है APN रोमिंग प्रोटोकॉल का ऑप्शन, यहाँ पर भी क्लिक करके आपको सेम टू सेम IPv4/IPv6 का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ कुछ फोन में दोस्तों ये ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके रहता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से इस ऑप्शन को जरूर से जरूर सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर BRR करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इस BRR का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पर नॉट स्पेसिफाइड या फिर अनस्पेसिफाइड करके एक ऑप्शन टिक देखने को मिलेगा, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर अनटिक कर लेना है,
और करने के बाद ध्यान से आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर LTE ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE और GPRS, इतना सारा ऑप्शन को आपको यहाँ पर एक एक करके ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर इतना सारा ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका फोन में अगर APN सेव नहीं होता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ LTE ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके कर देना है और ये जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर फिल हो चुका है, तो आप इस फॉर्म को आपका फोन में सेव कर देना है। सेव करते ही दोस्तों आपका फोन में एक BSNL सिम का नया APN सेटिंग शो हो जाएगा। तो इस APN को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यह सब बैक चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, उसके बाद आपका मोबाइल का डाटा ऑन करके आपको इंटरनेट चलाना है। देखना दोस्तों आपका इंटरनेट स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा फास्ट चलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपका इंटरनेट स्पीड अभी कितना दे रहा है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगला कोई नया वीडियो लेके। जय हिंद दोस्तों।